विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। हिस्ट्री कर रहे थे हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास, उसमें मैंने आज नए राज्यों के उदय में मराठा वाला पार्ट, हैदर अली मैसूर वाला पार्ट और बहुत सारे जो नए राज्य थे अवध वाला पार्ट, वहां से टेस्ट ले रहा हूं। ठीक है, आपने क्या करना है, कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे, सीधे आंसर लिखना है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा आंसर लिखना है, जैसे क्वेश्चन पूरे होंगे लास्ट में मैं आपको आंसर बताऊंगा इसके। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए, मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? शिवाजी किस स्थान पर गए थे? दूसरा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? बक्सर के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण क्या था? हो गया, साथ में आंसर भी लिखना है आपने। समय दे रहा हूं लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, शिवाजी के शासनकाल में सरदेशमुखी वसूला जाता था, सरदेशमुखी ये कितना था, मतलब किस दर से वसूला जाता था सरदेशमुखी? हो गया, किस युद्ध को तोपों के युद्ध से जाता है? कुछ क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि बार बार पूछने से क्या होता है, याद हो जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? मराठों के पूर्वज राजस्थान के किस वंश से संबंधित थे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सिराजुद्दौला के तीन प्रबल शत्रु थे, सिराजुद्दौला के तीन प्रबल शत्रु कौन कौन थे? पुरंदर की संधि से शिवाजी को अपने कितने किले मुगलों को देने पड़े, मतलब कितने किले थे और उनमें से कितने किले उन्होंने मुगलों को दे दिए? पुरंदर की संधि के समय शिवाजी के पास उससे पहले कितने किले थे, कितने किलों में से कितने किले मुगलों को देने पड़े? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था?
तोप खाने का तोपची कौन था, मतलब मेन तोप खाने का नेतृत्व तो कौन कर रहा था? सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? राज्य का नाम बताना, जगह का नाम बताना आपने। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? शिवाजी की राजधानी कहां? शिवाजी की राजधानी कहां थी? गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली और मृत्यु स्थल, मतलब जन्म कहां हुआ और मृत्यु कहां हुई? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ, मृत्यु कहां पर? मृत्यु क्या हत्या हुई थी? ठीक है, अठारह सौ दो में बसीन की संधि पर, बसीन की संधि किनके मध्य हुई? बसीन की संधि, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन दी थी? 500 बीघा जमीन जिस पर एक प्राकृतिक तालाब था, जिसको आज अमृतसर कहते हैं। वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास स्थापित किए कौन था? वह भारतीय शासक जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास, दूतावास समझते हैं, एम्बेसडर रहते हैं जहां, दूतावास स्थापित किए कौन था? जब अवध को भारतीय साम्राज्य, जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया, उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था?
जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया, उस समय ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? पानीपत की तीसरी लड़ाई को आंखों देखने वाला, मतलब स्वयं देखने वाला व्यक्ति कौन था, जिसने अपनी आंखों से देखी? देखी तो सबने होगी जो लड़े होंगे। हाँ, इतिहासकार, ऐसा इतिहासकार जिसने पानीपत की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा। रुहेलखंड राज्य का संस्थापक कौन था? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और किसके समय हुई? गवर्नर जनरल बताना आप। जिस समय टेस्ट चल रहा होता है उस समय कॉपी पलटनी नहीं है बिल्कुल भी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त हुआ था? हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? पोर्टोनोवा के युद्ध में हराने वाला अंग्रेज सेनापति? बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की? शिवाजी ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया? शिवाजी ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया? रुहेलखंड राज्य की राजधानी कहां थी? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन सा मुगल सेनापति, कौन सा मुस्लिम सेनापति मारा गया? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से कौन सा मुस्लिम सेनापति मारा गया था?
मराठा प्रशासन में वाक्यानवीस का कार्य था, वाक्यानवीस। जाट जाति का अफलातून या प्लेटो किसे कहा जाता है? जाट जाति का अफलातून या प्लेटो किसे कहा जाता है? गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की, छुरा किसने घोंपा था गुरु गोविंद सिंह? किस जाट शासक द्वारा आत्महत्या की गई थी? जाट शासक द्वारा आत्महत्या की गई थी। किस वर्ष हैदर अली मैसूर राज्य का सर्वे सर्वा हो गया? सर्वे सर्वा हो गया। पुरंदर की संधि, दूसरी वाली है, पुरंदर की संधि में मराठों की ओर से प्रतिनिधि कौन था? प्रतिनिधि कौन था? बाद वाली जो पुरंदर की संधि, बाद वाली। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान परिषद का विघटन किसके समय हुआ? अष्टप्रधान का विघटन किसके समय हुआ? अवध का अंतिम नवाब कौन था? अगला क्वेश्चन, किस आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? और किसके समय मिलाया गया, इसी में लिखना, किसके समय मिलाया गया, क्या आरोप लगाया मतलब अवध पर और किसके समय में।
बरगीर कौन थे? बरगीर मराठा साम्राज्य में बरगीर कौन थे? हाँ हो गया। जब अफजल खान शिवाजी से मिलने गया तो उसके साथ एक तलवारबाज था, उसका नाम बताना आपने। हाँ जी, जब शिवाजी अफजल खां से मिलने गए या अफजल खां शिवाजी से मिलने आया पार नामक स्थान पर प्रतापगढ़ में, तो अपने साथ एक तलवारबाज, मतलब थे और भी थे उसके, सेना छुपा रखी थी उसने, पर एक तलवारबाज था उसके। ऐसी अगला क्वेश्चन, शिवाजी के दो अंगरक्षक कौन थे जब अफजल खां से मिलने गए? शिवाजी ने अफजल खां की हत्या किस हथियार से की? हथियार, औजार, जो भी बोलना हो आपने। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आज मैं। शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ का किला रखा? शिवाजी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था और गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी छापामार युद्ध पद्धति किससे ग्रहण की? किससे कॉपी किया मतलब? हुकूमत पनाह और पंत सचिव नामक दो पदों का सृजन किसने किया? हुकूमत पनाह और पंत सचिव, मराठों में हुकूमत पनाह
और पंत सचिव नामक दो पदों का सृजन किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों में प्रतिनिधि नामक एक नए पद का सृजन किसने किया? प्रतिनिधि नामक एक नए पद का सृजन किसने किया? शिवाजी का कौन सा उत्तराधिकारी कभी सिंहासन पर नहीं बैठा राजा होते हुए भी? खेड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? खेड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? नाना साहब के नाम से जाना जाता है किस पेशवा को? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने कहा है कि माधव राव प्रथम पेशवाओं में सबसे महान था? सालम सेकंड को अपने संरक्षण में मुगल सिंहासन पर बिठाने वाला पेशवा था? सालम सेकंड को अपने संरक्षण में मुगल सिंहासन पर बिठाने वाला पेशवा?
1818 में अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड को कहाँ भेज दिया पेंशन देकर, 8 लाख की पेंशन देकर कहाँ भेजा? 1818 में अंग्रेजों ने बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए की पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? मतलब महाराष्ट्र छोड़ने के लिए कहा कि आप निकलो यहां से, अब आप वहां जाओ। कहां जाओ, समझ में आ गया? ठीक है, कर लिए, क्वेश्चन हो गए। आंसर बता दूं? ठीक है, आंसर बता रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि शिवाजी औरंगजेब से मिलने कहां पर गए थे, आंसर आगरा। फिर मैंने बताया था ना पिछली बार क्वेश्चन पूछा जयपुर भवन में कैद किया गया, तो जयपुर भवन कहाँ है? आगरा में। यूपी वालों ने पूछा, जब हम भी आज से बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ तब पूछ लिया 25 साल पहले जयपुर भवन कहाँ है, हमने कहा जयपुर भवन राजस्थान में होगा, बट राजस्थान में नहीं था, कहाँ था? आगरा में, जहां पर शिवाजी को कैद किया गया उसका नाम था जयपुर भवन आगरा। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा था कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्यिक अधिकारों का दुरुपयोग कर, दूसरे का आंसर बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन क्या था दूसरा? प्रमुख कारण बक्सर क्यों हुआ? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वाणिज्यिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रही थी। जो भारतीय शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अधिकार दिए थे कि बिना परमिट के आप क्या करो, व्यापार करो, बिना चुंगी दिए व्यापार करो, उसका दुरुपयोग कर रही थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, अगला तीसरा क्वेश्चन मैंने सरदेशमुखी पूछा, 1/10 होता था, सरदेशमुखी कितना था? तोपों के युद्ध से गुजरात के युद्ध को जाना जाता, गुजरात के युद्ध को तोपों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता। चौथे का आंसर गुजरात का युद्ध, गुजरात का युद्ध। पांचवा, जो मराठे थे वो राजस्थान में सिसोदियाओं के वंशज थे, सिसोदिया वंश के लोगों के वंशज थे। नहीं आई होगी आज सिसोदिया, है ना, राठौर सिसोदिया, ये तो सब राजस्थान के ही हैं भाई। क्या हो आप? राठौर, रोथाण, ये भी सब राजस्थान के हैं, रोथाण, सिसोदिया। तीन दुश्मन थे, दुश्मन तो बहुत थे किसके? अगला आंसर बता रहा हूं मैं छठे का, इसका सिराजुद्दौला के कौन कौन थे? तो एक तो अपनी मौसी थी, मौसी, मौसी मतलब मासी, माँ जैसी, लेकिन इसकी जो माँ जैसी थी घसीटी बेगम मासी, वो दुश्मन थी। शौकत जंग दुश्मन था, राजबल्लभ दुश्मन था, बड़े बड़े धनाढ्य जो थे वो दुश्मन थे बंगाल के, है ना, इसीलिए क्या किया, बंगाल के धनाढ़ियों ने अपने नवाब को अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। प्लासी एक युद्ध नहीं था, प्लासी एक झड़प थी, क्या थी? झड़प थी। बक्सर एक युद्ध था, बक्सर जो जितनी बहादुरी से लड़ा गया परिणामों की दृष्टि से भी उतना ही महत्वपूर्ण था बक्सर। अगला, 35 में से 23 किले देने पड़े भाई शिवाजी को, पुरंदर की संधि, 35 में से 23 किले देने पड़े। अगला, इब्राहिम खां गाड़ी तोपची जो था पानीपत के तृतीय युद्ध में, आठवां क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, इब्राहिम खां गाड़ी था, इब्राहिम खां गाड़ी। नौवां, बेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला हैदराबाद का निजाम निजाम अली, हैदराबाद का निजाम निजाम अली, यह बेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति है। बेलेजली ने जो सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस जो इंट्रोड्यूस की, उसको सबसे पहले वेलेजली ने नहीं बनाया, उसको ड्यूप्ले ने बनाया था। इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था? ड्यूप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले। लेकिन क्या हुआ कि ड्यूप्ले ज्यादा टाइम तो रह नहीं पाया और ना ही उसको इम्प्लीमेंट कर पाया। उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? एक अंग्रेज है जो उसी को कॉपी करता है, ड्यूप्ले की सहायक संधि को, उसी में कुछ संशोधन करके भारतीय राजाओं पर क्या करता है, इम्पोज करता है, थोप देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना हुआ कि सहायक संधि को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ड्यूप्ले। यहाँ पे नहीं पूछा मैंने, ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगला, दसवां का क्वेश्चन क्या था भाई? क्या? अरे हड़प स्वीकार नहीं की थी, हड़प नीति का शिकार कौन बना सबसे पहले? सतारा बना, सतारा महाराष्ट्र में पड़ता सतारा। हड़प नीति जो थी ना डलहौजी की थी, डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी का व्यवगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, है ना, तो उसका शिकार कौन बना? सतारा। अगला क्वेश्चन, रायगढ़, शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। गुरु गोविंद, अगला अगला आंसर, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली पटना,
और जो हत्या हुई उनकी एक अफगान द्वारा हत्या की गई वो नांदेड़ में की गई। कहाँ पर की गई? नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है, पटना बिहार में पड़ता है। तो पटना में जन्म हुआ, नांदेड़ में मृत्यु हुई। अगला 13वां क्वेश्चन क्या था? बसीन की संधि। मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन तो ये बोलता है कि बसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ब देसु, याद रखना क्रम पूछता है, यूपीएससी क्रम पूछता है। और पीसीएस वाले पूछते हैं किसके बीच में हुई थी, तो अंग्रेज और बाजीराव सेकंड, अंग्रेजों और बाजीराव सेकंड के बीच में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। क्लर्क था एक, अभी एक दिन गवर्नर बना फिर क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अगला, गुरु रामदास जी को दिया भाई 500 बीघा जमीन, यही था क्वेश्चन, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब था जिसको अमृत सरोवर कहा गया, वहीं पर अमृतसर की स्थापना हुई। बाद में चलकर आगे चलकर वहां पर हरिमंदिर साहब बना, हरिमंदिर साहब का गुरुद्वारा जिसको गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया वहां पर। आगे, टीपू सुल्तान भाई, 16वें का आंसर टीपू सुल्तान। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? राज दूतावास, दूतावास, विदेशी दूतावास स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला 17वां, ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउल्ट्रम, जेम्स आउल्ट्रम। अगला 18, जेम्स आउट्रम। 18वें का आंसर है काशीराज पंडित ने पानीपत के तृतीय युद्ध को अपनी आंखों से देखा। इतिहासकार है काशीराम, काशीराज पंडित, काशीराज पंडित। अगला, रोहिलखंड की स्थापना अली मोहम्मद खान, अली मोहम्मद खान ने की। रोहिलखंड, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में, सुना होगा आपने, बरेली वाला जो रीजन है वो रोहिलों वाला रीजन है। एक बार शाहजहां के समय में नवाजत खान ने आक्रमण कर दिया उत्तराखंड पर, पता है? हा? तो कर्णावती थी यहां पर, रानी कर्णावती, नाक कान काट दिए उन्होंने रोहिलों के, मुस्लिम थे ना तो उनके नाक कान काट दिए, इसलिए उन्हें नाकटी रानी के नाम जाना जाता है, जिसको कर्णावती। अगला, 1799 में मरा भाई टीपू सुल्तान वेलेजली के समय में, 1799 वेलेजली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1799 में, वेलेजली के समय टीपू सुल्तान मारा गया। 21वां, शाहजहां ने दिया भाई कोहिनूर हीरा किसको? महाराजा रणजीत सिंह को। 22वां, सर आयरकूट ने हराया पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को, सर आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को हरा दिया। अली वर्दी ने कहा मधुमक्खी है, नहीं छेड़ोगे तो शहद देंगी, छेड़ोगे तो काट काट के मार देंगी, किसने कहा? बंगाल में। अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना या अंग्रेजों की तुलना किससे की? मधुमक्खियों से की। शिवाजी ने जरीब का प्रयोग किया, जरीब, हाँ, बांस की जरीब, भूमि को नापने के लिए किसका प्रयोग किया? जरीब। अगला 25वां क्वेश्चन क्या था भाई? रोहिलखंड की स्थापना, रोहिलखंड की राजधानी आंवला, 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 आंवला। अगला, कौन मुस्लिम मारा गया पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ता हुआ? इब्राहिम खां गार्दी, तोपची जो था वही मारा गया, इब्राहिम खां गार्दी, जानबूझ के पूछा मैंने दो बार। अगला क्या था क्वेश्चन? वाक्यनवीस है, गुप्तचर, डाक प्रमुख, वाक्यनवीस, गुप्तचर विभाग का प्रमुख और डाक, डाक विभाग का प्रमुख कौन था? वाक्यनवीस। अगला, सूरजमल जाट भाई, जाटों का अफलातून प्लेटो, सूरजमल जाट, जाट राजा सूरजमल। अगला क्वेश्चन, अगला, अजीम खाने की, अजीम खान। अगला, किस जाट राजा ने आत्महत्या की? चूड़ामन जाट ने, जाट राजा चूड़ामन ने आत्महत्या की। 31वें का आंसर 1761 में हैदर अली सर्वे सर्वा हो गया मैसूर का, वोडियार वंश के राजा
चिक्का कृष्ण राज को नाम मात्र के लिए एक साल में दिखाया जाता था कि हाँ भाई जनता जिंदा है तुम्हारा राजा, और खुद सर्वे सर्वा हो गया कौन, हैदर अली। 32वें का आंसर है नाना फडणवीस। क्या था क्वेश्चन? नाना फडणवीस तो आंसर है, क्वेश्चन क्या था? पुरंदर की संधि में मराठों की तरफ से कौन थे? नाना फडणवीस थे। अगला 33वें का आंसर संभाजी। क्या था क्वेश्चन? हाँ अष्टप्रधान को संभाजी के समय में एक आदमी आ गया जिसका नाम था भेदिया। भेदिया बोलते थे मराठे। किसको? कवि कलश, और वैसे उसको कवि कलुष कहते थे कौन, मराठे, भेदिया भी कहते थे। कवि कलश का वर्चस्व हो गया संभाजी के समय। अगला वाजिद अली शाह अख्तर पिया, अवध का अंतिम नवाब। उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन रहा है ये। अख्तर पिया वाजिद अली शाह, इसी की बेगम है हजरत महल। बेगम हजरत महल नाम सुने हो? 1857 के रिवोल्ट में जब भाग लेती है लखनऊ से और उसके बाद नेपाल चली जाती है, आज तक पता नहीं चला। अब बेटा था ब्रिजिस कादर। बिल्कुल कुछ चीजें याद हो गई बच्चों को। कुशासन का आरोप लगाया भाई डलहौजी ने, बैड गवर्नेंस। डलहौजी ने क्या कहा? बैड गवर्नेंस है कि अवध में, ये हमारे पास होना चाहिए कि हम इसको सही करेंगे। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को हड़प लिया किसने? डलहौजी ने, अपने व्यपगत सिद्धांत के अनुसार, अपनी हड़प नीति के अनुसार। इसी कारण 1857 के रिवोल्ट में सबसे ज्यादा भाग लिया किसने? अवध के सैनिकों ने। मतलब अवध के सैनिक थे, उनके नवाब का अपमान हो गया था। वाजिद अली शाह ने तो अपनी पगड़ी तक रखी, मत करो ऐसा, लेकिन नहीं माना कौन, डलहौजी। तो अपने नवाब का बदला लेने के लिए अवध के सिपाहियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया किसमें? 1857 के रिवोल्ट में। अश्वरोही सैनिक होते थे भाई, बरगीर कि सिलेदार, क्या ना, क्या क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने? बरगीर, बरगीर अश्वरोही सैनिक। जब शिवाजी अफजल खां से मिलने गए पार नामक स्थान पर प्रतापगढ़ में, तो अफजल खां अपने साथ एक तलवारबाज लाया था जिसका नाम था सैयद बांदा। सैयद बांदा, सैयद बांदा। 38वें का आंसर है शिवाजी भी अपने साथ ले गए जीव महल और शंभुजी काऊजी। जीव महल और शंभुजी काऊजी। बगनक से मारा शिवाजी ने किसको? अफजल खां को, बाघ के नाखून जैसा एक बगनक। कोंडाना के किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ का किला रख दिया उन्होंने। कोंडाना के किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रख दिया शिवाजी ने। अहमदनगर के मलिक अंबर को कॉपी किया उन्होंने। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलिए नहीं होते हैं, किसान सीधे अपना टैक्स जमा करता राज्य में, ठीक है। और दूसरा, शिवाजी भी जानते थे कि मुगलों की बड़ी सेना से टकराना संभव नहीं है, इसलिए गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति का अपनाया किसने? शिवाजी ने। मलिक अंबर को कॉपी किया। 42वां क्वेश्चन है राजा राम। आंसर है राजा राम ने दो पद सृजित किए, कौन कौन से? पंत सचिव और, अरे भाई नाम तो याद करना पड़ेगा ना आपको। हाँ जी, हाँ हुकूमत पना। और अगले का आंसर भी राजा राम है। राजा राम ने ही प्रतिनिधि नामक नए पद का सृजन किया था। प्रतिनिधि नामक नए पद का सृजन किसने किया? राजा राम ने। अगले का आंसर भी राजा राम। क्या तीन आंसर लगातार राजा राम? क्या था क्वेश्चन? की राजा होते हुए भी सिंहासन पर नहीं बैठा राजा राम। खेड़ा का युद्ध हुआ छत्रपति साहू और उसकी चाची ताराबाई के बीच में। छत्रपति साहू और ताराबाई के बीच में। अगला क्वेश्चन है बालाजी बाजीराव। क्या था क्वेश्चन? नाना साहब किसे कहा जाता? बालाजी बाजीराव। तीसरे पेशवा बालाजी, पहले हैं बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव। 1713 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 40 से 61। सालबाई की संधि से समाप्त हुआ वही 1782 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सालबाई की संधि। अगला है सरदेसाई। सरदेसाई कहते हैं कि सबसे महान था कि कौन?
48 में का आंसर सरदेसाई, 49 में का आंसर माधव राव फर्स्ट। क्या था क्वेश्चन? हाँ, सालम सेकंड को गद्दी पर बिठाने वाला मराठा पेशवा कौन था? आंसर माधव राव फर्स्ट। 50वां क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, आंसर बिठूर भेज दिया उन्हें, कानपुर, बिठूर कानपुर। इन्हीं का बेटा हुआ फिर कौन? नाना साहब। गोद लिया हुआ पुत्र था, उसकी उसकी पेंशन कम कर दी नाना साहब की। नाना साहब ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कहा, उन्होंने कहा भाई जो समझौता हुआ था तुम्हारे पिताजी के साथ हुआ था, बाजीराव सेकंड के साथ, तुम तो उनके दत्तक पुत्र हो, दत्तक मतलब गोद लिए हुए पुत्र हो, तुम्हें थोड़े मिलेगी पेंशन। इसीलिए 1857 के रिवोल्ट में भाग लेते हैं कौन? नाना साहब, धोंदू पंत। हो गया।